भारत और नेपाल की सीमा पर और उत्तर प्रदेश राज्य में बसे बलरामपुर जनपद में स्थित पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ का मंदिर हजारों लाखों वर्षों से भक्तों की आस्था और धार्मिक यात्रा का आधार बना हुआ है। दुनिया भर से आने वाले तमाम भक्तों की भीड़ यहाँ बारहों महीने लगी रहती है। खास तौर पर यहाँ नेपाल से आने वाले लाखों श्रद्धालु भी अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद विशेष अनुष्ठान और पूजन करते हैं। इसीलिए यह मंदिर भारत और नेपाल के बीच धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की मित्रता का प्रतीक माना जाता है। चैत्र के नवरात्र और शारदीय नवरात्र जैसे विशेष और पवित्र अवसरों पर यहाँ आने वाले माँ दुर्गा के श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर इस बात का अंदाजा लगा जा सकता है कि दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें सुबह 3 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है। पाटन देवी शक्तिपीठ में आने वाले हजारों लाखों भक्त अपने संतानों की दीर्घायु, सुरक्षा और देवी प्रकोपों से बचाने के लिए उनका मुंडन, अन्न प्राशन, यज्ञोपवीत जैसे तमाम अन्य संस्कार करवाते हैं और 9 दिनों तक उपवास रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्रीमद् देवी भागवत कथा के साथ साथ यहाँ की यज्ञशाला में हवन करके अपना अनुष्ठान पूरा करते हैं। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में भारत और नेपाल की सीमा पर बसा बलरामपुर जनपद का यह भाग हजारों लाखों वर्षों से आध्यात्मिक शक्ति और तपोभूमि के रूप में विश्व विख्यात है। तुलसीपुर नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माँ पाटेश्वरी देवी का मंदिर युगों युगों से मात्र एक धार्मिक स्थान ही नहीं, बल्कि इसका अलौकिक और गौरवमय इतिहास भी अपने आप में विशेष स्थान रखता है। पाटन देवी के इस शक्तिपीठ मंदिर में वास्तविक तौर पर पाटेश्वरी देवी की किसी भी विशेष प्रतिमा की पूजा नहीं होती, बल्कि प्रतिमा के स्थान पर यहाँ चांदी जड़ित एक गोल आकार वाला चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक कपड़ा बिछा रहता है और उसी कपड़े के ऊपर जिस ताम्र छत्र के दर्शन होते हैं, उस ताम्र छत्र पर दुर्गा सप्तशती के श्लोक अंकित हैं। इसी ताम्र छत्र को देवी पाटेश्वरी के प्रतीक के तौर पर पूजा जाता है। इसके अलावा यहाँ गर्भगृह में इसी चबूतरे के पास भी कुछ अन्य रजत छत्र रखे हुए दिख जाते हैं, जबकि मंदिर के गर्भगृह में चबूतरे के पास हमें माता की जिस मूर्ति के दर्शन होते हैं, वह मूर्ति मंदिर के जीर्णोद्धार के समय माता के प्रतीक के तौर पर स्थापित की गई थी। मंदिर के गर्भगृह में चबूतरे के पास प्रज्वलित जिस ज्योति के दर्शन होते हैं, वह वही अखंड दीप ज्योति है जिसे माँ दुर्गा की अखंड शक्ति के रूप में माना जाता है और पूजा जाता है। कहा जाता है कि पाटन देवी शक्तिपीठ के इस मंदिर में यह ज्योत यहाँ त्रेता युग में प्रज्वलित की गई थी, तब से लेकर आज तक यह ज्योत यहाँ प्रज्वलित है। इसके अलावा पाटन देवी शक्तिपीठ के मंदिर परिसर में जल रही धुनी को लेकर मान्यता है कि नेपाल के सिद्ध रत्ननाथ व गुरु गोरक्षनाथ जी ने इसी धुनी के पास बैठकर कुछ विशेष और दिव्य सिद्धियां प्राप्त की थी। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसी धुनी से माथे पर भस्म तिलक लगाते हैं। यह धुनी मंदिर की उत्तर दिशा में महंत के मठ भवन में स्थित है। मंदिर की उत्तर दिशा में स्थित प्राचीन काल के सूर्य कुंड का भी अपना ही पौराणिक महत्व है। एक पौराणिक कथा बताती है कि त्रेता युग के समय में दानवीर कर्ण ने इसी पवित्र कुंड में स्नान करके माट पाटेश्वरी के इसी पवन पीठ के पास के आश्रम में भगवान परशुराम से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्रारंभ की थी। इसी कारण से इस सूर्य कुंड को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष आस्था है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु उस सूर्य कुंड की भी विशेष पूजन करते हैं और इसमें स्नान करते हैं। पाटेश्वरी देवी के इस शक्तिपीठ मंदिर का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही चमत्कारों से भरा इसका पौराणिक इतिहास भी रहा है। माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के जिस चबूतरे पर माता का ताम्र छत्र पूजा जाता है, उसी चबूतरे के ठीक नीचे एक ऐसा स्थान भी है जहाँ से आज भी पाताल लोक तक जाने वाली सुरंग के निशान मौजूद हैं। पिछले कुछ समय पहले तक भी इसी चबूतरे पर प्रसाद चढ़ाया जाता था, लेकिन सुरक्षा कारणों को देखते हुए अब यह प्रसाद बाहर से ही चढ़ाया जाने लगा है। पाटन देवी मंदिर की एक सबसे खास परंपरा और विशेषता यह है कि आज भी यहाँ मंदिर में चढ़ाए प्रसाद का कुछ अंश सबसे पहले पशु पक्षियों के लिए डाला जाता है और उसके बाद ही श्रद्धालु या तो खुद खा सकते हैं या फिर अन्य लोगों में बांट सकते हैं।
इसके पीछे जो मान्यता है उसके अनुसार कहा जाता है कि ईश्वर का वास केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि हर प्रकार के पशु पक्षियों और इस संसार के कण कण में होता है। इसलिए सबसे पहले हमें उन जीवों का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हर दिन माँ भगवती को भोग लगाने के बाद सभी तरह के पशु पक्षियों को बड़े ही आदर और श्रद्धा से परंपरागत नियमों के अनुसार भोजन कराया जाता है। पाटन देवी शक्तिपीठ के मंदिर परिसर में हमारी वैदिक धार्मिक और प्राचीन परंपरा के अनुसार एक गौशाला भी है जिसमें कई भक्तों को यहाँ पशु सेवा का कार्य करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पक्षियों के लिए अनगिनत घरौंदे बने हुए भी देखे जा सकते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा इस मंदिर को एक विशेष पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में दर्जा देकर इसे विकसित किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। देवी पाटेश्वरी का यह मंदिर सिद्ध योगपीठ तथा शक्तिपीठ दोनों रूपों में पूजा जाता है। वर्तमान में मंदिर का संचालन नाथ संप्रदाय की देखरेख में होता है। देवी पाटेश्वरी का यह मंदिर सिद्ध योगपीठ तथा शक्तिपीठ दोनों ही रूपों में पूजा जाता है। व्यवस्था एवं रखरखाव की दृष्टि से जब से पाटन देवी शक्तिपीठ का यह मंदिर श्री गोरक्षनाथ मंदिर के संरक्षण में आया है तब से इसमें काफ़ी सुधार हुए और विस्तार के साथ साथ कुछ नए निर्माण के कार्य भी किए गए। इसके बाद से इस स्थान की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई है और इस शक्तिपीठ के इतिहास एवं महत्व को जानने के लिए लोगों में जिज्ञासा और उत्सुकता भी बढ़ी है। मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं युक्त यात्री निवास, प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्वच्छता जैसी अन्य कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पाटन देवी शक्तिपीठ मंदिर से जुड़ी यह जानकारी हमने हमारी वेबसाइट www.dharmavani.com पर भी विस्तार से दी हुई है। इस जानकारी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो यदि आप भी पाटन देवी शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने का मन बना रहे हैं तो बता दें कि यह स्थान उत्तर प्रदेश में भारत और नेपाल की सीमा पर बसा बलरामपुर जनपद में स्थित है। यहाँ जाने के लिए वैसे तो यहाँ हर मौसम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन अगर आप यहाँ अपने परिवार के बच्चों और बुजुर्गों के साथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए खास तौर पर गर्मी और बारिश के मौसम में यहाँ जाने से बचें। इसके अलावा नवरात्र के विशेष अवसरों पर यहाँ स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, इसलिए कोशिश करें कि भीड़ से भी बचने का प्रयास करें। वैसे यहाँ जाने के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का मौसम सबसे अच्छा मौसम हो सकता है। ध्यान रखें कि यह कोई बहुत बड़ा या विकसित शहर नहीं है, इसलिए यहाँ आपको कोई भी आलीशान होटल या कॉटेज नहीं मिलेगी, लेकिन पाटन देवी शक्तिपीठ मंदिर के आसपास में अनेकों छोटे बड़े होटल, धर्मशाला और लॉज बने हुए हैं जहाँ आपको आपके बजट के अनुसार कमरे मिल जाएंगे। यहाँ मंदिर के आसपास ही में 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक में हर प्रकार की अच्छी सुविधाओं वाले कमरे आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहें तो जाने से पहले भी यहाँ कमरा बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने से पहले ध्यान रखें कि अगर आप नवरात्र के अवसरों पर यहाँ जाते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ कमरा मिलने में परेशानी हो सकती है। यदि आप रोडवेज की बसों के द्वारा पाटन देवी शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बलरामपुर के जिला मुख्यालय तक पहुंचना होगा। उसके बाद आपको यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर शहर के पश्चिम में स्थित तुलसीपुर शहर के लिए बस बदलनी पड़ती है। आप चाहें तो बलरामपुर से बस के अलावा टैक्सी या फिर ऑटो के माध्यम से भी इस मंदिर तक आसानी से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप देश के किसी दूर दराज के राज्य या क्षेत्र से यहाँ रेल मार्ग के द्वारा आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ के गोंडा जंक्शन पर उतरना होगा। गोंडा जंक्शन से मंदिर की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। इसके अलावा अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी मंदिर से करीब 85 किलोमीटर और मनकापुर जंक्शन 160 किलोमीटर की दूरी पर है। गोंडा का रेलवे जंक्शन भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए अधिकतर यात्री इसी गोंडा जंक्शन से आना जाना पसंद करते हैं। फिलहाल यहाँ का एक और नज़दीकी रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य जारी है। इस लाइन के तैयार हो जाने के बाद यहाँ से पाटन देवी मंदिर की दूरी करीब 25 किलोमीटर तक रह जाएगी और यह कार्य लगभग 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप यहाँ हवाई जहाज के द्वारा जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ के निकटतम चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही उतरना होगा। इस हवाई अड्डे से पाटन देवी मंदिर लगभग 205 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहाँ से आगे की यात्रा आपको सड़क मार्ग से ही तय करनी होगी। पर अगर आप यहाँ पाटन देवी शक्तिपीठ मंदिर के साथ साथ आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलों पर भी घूमना चाहते हैं
तो उसके लिए यहाँ स्वामीनारायण छपिया मंदिर गोंडा जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर और पाटन देवी शक्तिपीठ मंदिर से करीब 110 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध माने जाने वाला श्रावस्ती पाटन देवी शक्तिपीठ मंदिर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर है और भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध पृथ्वीनाथ मंदिर भी पास ही में स्थित है। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग आकार में बहुत बड़ा और ऊंचा है। यह स्थान गोंडा से लगभग 12 किलोमीटर दूर इटिया थोक ब्लॉक में पड़ता है। पाटन देवी शक्तिपीठ मंदिर से इसकी दूरी करीब 58 किलोमीटर है और इन सब के अलावा भी यहाँ कई ऐसे अति प्राचीन महत्व के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन महत्व के स्थान हैं जिनके बारे में एक ही बार में बताना संभव नहीं है। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।